सीमिल रहीम अमुम हलो रन उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्राम लैंग्विस्टिक्स लैंग्वस्टिक डाइवर्सिटी करेक्टरस्टिक्स एंड चैलेंजेस ऑफ लैंग्वस्टिक डाइवर्सिटी इम्पैक्ट ऑन इंग्लिश लैंग्वेज सो टाइम कोस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टड इंट्रोडक्शन लैंग्वस्टिक डाइवर्सिटी इज़ द स्टडी ऑफ द डिफरेंट लैंग्वेज एंड डायलैक्ट्स दैट एग्जिस्ट अराउंड द वर्ल्ड लैंग्विस्टिक डाइवर्सिटी क्या है इसमें हम क्या स्टडी करते हैं डिफरेंट लैंग्वेज़ के जो डायलैक्ट्स हैं उनको स्टडी करते हैं अब अगर हम देखें डाइवर्सिटी वर्ड को डाइवर्सिटी का क्या मतलब है डाइवर्सिटी का मतलब ये है अगर एक क्लास है तो ओबियसली उसमें भी एक किस्म की डाइवर्सिटी होती है जैसे कोई किसी प्रोविंस से होगा किसी के बिलीफ अलग होंगे कोई क्रिश्चियन होगा कोई मुस्लिम होगा कोई हिंदू होगा ठीक है और उनका ड्रेस कोड डिफरेंट होगा उनका कल्चर डिफरेंट होगा तो ये सब किस चीज़ में आते हैं ये डाइवर्सिटी में आते हैं अब आप लोगों ने क्लास में भी नोट किया होगा सब के जो आइडियाज़ हैं वो डिफरेंट होते हैं ड्रेस कोड डिफरेंट होता है उनकी लैंगवस डिफरेंट होती है और इसी तरह उनके बिलीव्स डिफरेंट होते हैं कोई मुस्लिम होता है कोई क्रिश्चियन होता है कोई हिंदू होता है तो ये सब डाइवर्सिटी में आते हैं इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द करेक्टरस्टिक्स चैलेंजेस अब इस प्रेजेंटेशन में हम यही चीज़ डिस्कस करेंगे कि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी क्या है चैलेंजेस क्या है इसमें और इंग्लिश लैंग्वेज पे इसका क्या इम्पैक्ट है ना वट इज़ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी रेफर्स टू द वैराइटी ऑफ लैंग्वेज एंड डायलैक्ट स्पोकन इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ वर्ल्ड लैंग्विस्टिक डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी का तो मैंने आपको बता दिया है लेकिन जब लैंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज की बात हो रही है तो लैंग्विस्टिक डाइवर्सिटी उस चीज़ को रेफ़र करती है जिसमें हम जो लैंग्वेज़ होते हैं उनके जो डायलैक्ट्स होते हैं जो बोले जाते हैं डिफरेंट रीजनस ऑफ द वल्ड उसको डिस्कस करना या उनके बारे में जानना ये लैंग्वस्टिक डाइवर्सिटी में आते हैं इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर सच एज़ जियोग्राफी जिसमें हम देखो जियोग्राफी भी देखते हैं मतलब दुनिया में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उन सबको देखेंगे इसी तरह हिस्ट्री देखेंगे उन लैंग्वेजेस की कल्चर देखेंगे उस लैंग्वेज और उनके लोगों के कल्चर को देखेंगे तो ये सब कुछ डाइवर्सिटी में आता है द डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज एंड डायलैक्ट कैन क्रिएट अ चैलेंज इन कम्युनिकेशन और ये किस्म का चैलेंज भी होता है अगर एक क्लास में पाँच छः बंदे हैं और डिफरेंट सुबों से हैं और डिफरेंट रिलीजन है उनका और इसी तरह उनका ड्रेस कोड भी डिफरेंट होगा उनका कल्चर भी डिफरेंट होगा तो इसमें क्या होगा समाइम्स लाइक यू फेस अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज़ वाइल कम्युनिकेटिंग हिम और हर बट इट आल्सो इन रिच इज़ आवर अंडरस्टैंडिंग लेकिन यहाँ पे बहुत मजे की बात की गई है कि बट इट आल्सो इन रिच इज़ आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट कल्चर्स एंड वेज़ ऑफ थिंकिंग लेकिन इससे पता है क्या होता है इससे आपको उनके कल्चर का अंदाज़ा लग पता लग जाता है कि उनका कल्चर क्या है और हमारा कल्चर क्या है यानी आ, उनका जो वे ऑफ थिंकिंग है वो किस तरह है और हमारा वे ऑफ थिंकिंग किस तरह होता है उनके आइडियाज़ उनके बिलीव क्या है हमारे आइडियाज़ और बिलीफ क्या है सो इट मीन्स यू यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्राम करेक्टरस्टिक्स ऑफ करैक्टरस्टिक्स ऑफ लैंग्वस्टिक डाइवर्सिटी द करैक्टरस्टिक्स ऑफ लैंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इंक्लूड लैंग्वेज़ फैमिलीज़ अब इसमें डिफरेंट लाइक uh, like, जो करैक्टरस्टिक्स है वो आते हैं एक तो लैंग्वेज फैमिलीज़ ठीक है फिर उसके बाद डायलैक्ट्स है ईजी हैं ठीक है इसी तरह एक्सेंट्स है ईजी है एंड क्रियोल क्रियोल्स का भी आप लोगों ने पढ़ा होगा पिजन और क्रियोल ये भी ईजी है तो ये सारे इसके करेक्टरस्टिक्स जिसमें हमने ये चीज़ें देखनी होती है लैंग्वेज फैमिलीज़ आर ग्रुप्स ऑफ अब यहाँ पे देखो शॉर्ट डिफीनीशन भी लिखी गई है कि लैंग्वेज फैमिलीज़ आर ग्रुप ऑफ़ लैंग्वेज़ दैट शेयर अ कॉमन औरिजन लैंग्वेज फैमिलीज़ क्या है जो कॉमन औरिजन एग्जिस्ट करते हो ठीक है उसको लैंग्वेज फैमिलीज़ यानी लैंग्वेज ट्रू की ट्री के थ्रू जो है डिस्कस किया जाता है आप लोगों ने ये ट्री भी डिस्क पढ़ी होगी आई थिंक फिफ्थ सेमेस्टर के सिक्स सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है लैंग्वेज ट्री बल्कि फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ाया जाता है कि आपको पता चले कि कौन से जो लैंग्वेज़ हैं उनका औरिजन सेम है इसी तरह लैंग्वेज फैमिलीज़ आर ग्रुप्स ऑफ लैंग्वेज दैट शेयर अ कॉमन औरिजन डायलेक्ट्स आर वेशन ऑफ़ अ लैंग्वेज स्पोकन इन डिफरेंट रीजन और डायरेक्ट क्या है डिफरेंट वेरिएशन है किसी भी लैंग्वेज के और एक्सेंट क्या है एक्सेंट लाइक like, सब का अपना एक एक्सेंट होता है मतलब आपकी प्रोनउंसिएशन ये सब एक्सेंट में आता है और इसी तरह क्रियोज़ क्या है क्रियोज आर लैंग्वेज दैट डिवेलप फ्राम अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज़स चैलेंजेस ऑफ लैंग्विस्टिक डाइवर्सिटी द चैलेंजेस ऑफ लैंग्विस्टिक डाइवर्सटी इंक्लूड इसमें डिफरेंट चैलेंजेस आ जाते हैं लैंग्वेज बेरियर्स मैंने बताया ना कि अगर एक क्लास में पाँच लड़के हैं तो ओबियसली उनकी लैंग्वेज भी डिफरेंट होगी कोई हिंदी बोलेगा कोई सिंधी कोई उर्दू कोई पंजाबी कोई पश्तो कोई बलोची तो ये सब किस चीज़ में आते हैं ये एक किस्म का चैलेंज होता है किसी दूसरे बंदे के लिए यानी उसकी लैंग्वेज को समझना या उसके एक्सेंट को समझना उसकी प्रोनंसिएशन को समझना मिसकम्यूनिकेशन भी इसमें आ जाते हैं ठीक है थीके? इसी तरह लैंग्वेज एक्सटेंशन ठीक है लैंग्वेज बेरियर्स कैन मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू कम्यूनिकेट इफ़ेक्टिवली अब लैंग्वेज बेरियर ओबियसली ये डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आप उस बंदे को समझ सके मिसकसप्शन के न कर पीपल यूज़ डिफरेंट डायलैक्ट्स एक्सेंट्स अभी मैंने बात की कि उनका ओबियसली सब कुछ लाइक like, बोलने का स्टाइल डिफरेंट होगा तो उसमें ओबियसली डायलैक्ट एक्सेंट सारे आ जाते हैं और इस तरह ये मिसकम्यूनिकेशन या मिसकम्युनिकेशन uh, का सबा भी बन सकता है लैंग्वेज एक्सटेंशन अकर्ज वेन लैंग्वेज इज़ नो लॉन्गर स्पोकन एंड इज़ रिप्लेस बाई अदर लैंग्वेज एक्सटेंशन का मतलब यही है कि बिल्कुल ख़त्म हो जाना तो एक ऐसी लैंग्वेज जो बिल्कुल ख़त्म हो जाए आ, उसकी जगह कोई और लैंग्वेज आ जाते हैं तो उसको हम लैंग्वेज एक्सटेंशन कहते हैं इम्पैक्ट ऑफ लैंग्वेज या लैंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑन इंग्लिश यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे जिसमें हमारे पास कौन कौन से इंक्लूड्स है लॉन वर्ड्स कोड स्विचिंग एंड डायलैक्ट्स यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट डिफीशन है लॉन वर्ड्स क्या है लॉन वर्ड्स आर वर्ड्स बारोड फ्राम अदर लैंगवेज़ सपोज़ आप इंग्लिश के जो वर्ड्स है वो बारो करते हो उर्दू में या हिंदी में या हिंदी के जो वर्ड्स है या उर्दू के जो वर्ड्स है वो बारो करते हो किस में इंग्लिश में ठीक है तो ये बारो वर्ड्स में आते हैं कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग का आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है बल्कि बारो वर्ड्स भी आप लोगों ने पढ़े हैं स्विचिंग में क्या है कि आप एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में जो है स्विच करते हो और इसी तरह हमारे पास जो लास्ट है वो है डायलेक्ट्स इन अ कन्वर्सेशन डायलेक्ट्स आर वेरिएशंस ऑफ लैंग्वेज स्पोकन इन डिफरेंट रीजन्स डायलैक्ट्स क्या है मतलब एक रीजन है उसका अपना डायलेक्ट होगा दूसरे रीजन का अपना डायलेक्ट होगा तो ये वेरिएशन है मतलब कह सकते हम वेरिएशन इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज English is a global language that is spoken by millions of people. English obviously सबसे uh, like second number बल्कि third number पे आती है जिसको सबसे ज्यादा uh, like दुनिया में बोला जाता है। By millions of people around the world, it is the language of business, science and technology. और uh, ये एक ऐसी language है जो science में भी use होती है। अब आप सोच रहेंगे कि Chinese सबसे ज्यादा? Obviously Chinese है। हम कह सकते हैं कि English ही ऐसी लैंग्वेज जो सबसे ज़्यादा बोली और फर्स्ट नंबर पे रख सकते हैं उसकी वजह क्या है आप सोच रहे हैं कि चाइना की आबादी ज़्यादा है तो चाइनीज़ सबसे ज़्यादा बोली लेकिन चाइनीज़ अपने मुल्क तक लिमिटेड है वो बाहर उसकी कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं ना उसको कोई लोग बोलते हैं या उसमें कम्यूनिकेट करते हैं तो इंग्लिश क्या है जैसे यहाँ पर इन्होंने बड़ा क्लियर कट लिखा है कि इंग्लिश को जो है बिज़नेस में भी यूज़ किया जाता है साइंस में भी यूज़ किया जाता है टेक्नोलॉजी में यूज़ किया जाता है अभी ये आप जो सामने स्लाइड है ये भी इंग्लिश में ही है इट मीनस आपकी जो चीज़ें हैं वो सब इंग्लिश में आ जाते हैं अब इवर आपका एजुकेशन सिस्टम हव ऑन द डोमिनेंस ऑफ इंग्लिश कैन आल्सो लीड टू द लॉस ऑफ अदर लैंग्वेज एंड डायलैक्ट्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब आप एक लैंग्वेज को ज़्यादा डोमिनेंसी देते हो यानी उसको मुसलत करते हो अपने लोगों पर तो उससे क्या होगा उससे ये होगा कि आपकी अपनी लैंग्वेज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जाएगी क्या पता लैंग्वेज एक्सटेंशन ही हो जाए हुए हैं बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज हैं जिनकी एक्सटेंशन हुई है मतलब एक्सटेंशन से मुराद ये कि वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हुए हैं उनकी जगह दूसरे लैंग्वेज ने ली है इस्पेशली जो अफ्रीकन लैंग्वेज है इसमें ज़्यादातर आ जाते हैं इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रमोट लैंग्वस्टिक डाइवर्सिटी एंड प्रिजर्व इन डेंजर्ड प्रिजर्विंग प्रजर्विंग डाइवर्सिटी प्रिजर्विंग लैंग्वस्टिक डाइवर्सिटी इन्वाल्वस प्रमोटिंग मल्टी इसमें हम क्या प्रोमोट कर सकते हैं मल्टी को लैंग्वेज एजुकेशन को इजी है मल्टी लैंग्वेजिज़म यहाँ पर आपको एक शॉर्ट डिफिनेशन बताई गई है एंड लैंग्वेज प्रिजर्वेशन लैंग्वेज मल्टी लैंग्वेजिज़म क्या है मल्टी लैंगविज़म इंक्रेज़ पीपल टू लर्न एंड यूज़ मल्टीपल लैंग्वेज इसमें आपको इंक्रेज किया जाता है कि आप एक लैंग्वेज से बदल के दूसरे लैंग्वेज़ भी आप सीख लें तो ये मल्टी लैंग्वेजिज़म है फिर लैंग्वेज एजुकेशन इंश्योर्स दैट लैंग्वेज़ज़ज़ज़ज़ज आर टॉट इन स्कूल्स लैंग्वेज एजुकेशन यही है कि आपको स्कूल में जो लैंग्वेज पढ़ाई जाती है वो लैंग्वेज एजुकेशन में आती है इंग्लिश क्या है ये लैंग्वेज एजुकेशन है ठीक है मतलब आपकी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज स्कूल्स इन सब में ये लैंग्वेज पढ़ाई जाती है फिर लैंग्वेज प्रजर्वेशन इन्वॉल्स डॉक्यूमेंटिंग एंड रिकॉर्डिंग इन डेंजर्ड लैंग्वेज टू प्रिवेंट दैम फ्रॉम बिकमिंग एक्सटेंकड कंक्लूजन क्या है इन कंक्लूजन लैंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इफेक्ट्स कम्युनिकेशन कल्चर एंड आइडेंटिटी अंडरस्टैंडिंग द करेक्टरस्टिक्स चैलेंजेस एंड इम्पैक्ट ऑफ लैंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज इज़ क्रूशल फॉर प्रोमोटिंग मल्टी लैंग्वेजिजम लैंग्वेज एजुकेशन एंड लैंग्वेज प्रिजर्वेशन वी मस्ट ट्राई टू प्रिजर्व लैंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड प्रोमोट द यूज ऑफ मल्टीपल लैंग्वेज इन आवर इंक्रीजिंग इक्रीजिंगली ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड इसका सिंपल मतलब यह कि आप इंग्लिश को ज़्यादा प्रमोट करने की जरूरत नहीं है बल्कि उसको डोमिनेट करने की जरूरत नहीं है आप दूसरे लैंग्वेज़ को भी प्रोमोट कर सकते हैं उनको भी सीख सकते हैं दैट्स आल्सो इम्पॉटेंट फॉर एवरीवन। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ टेक केयर ऑफ यर्स।